वेलकम फ्रेंड्स, कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 सवाल नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं। इसमें हमें सही विकल्प बताना है, इसको हल करके इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति सारणी से इसमें मान रख लेते हैं। हमें पता है टेन 45 का मान होता है एक। यहाँ से आप देख सकते हैं टेन 45 का मान होता है एक, मान रख लें अपने। वन माइनस एक का स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर 45 है, टेन 45 का मान एक होता है, इसलिए एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर 45 है। हल कर लेंगे इसको, एक में से एक गया और एक प्लस एक बराबर कितना गया, 0/2। इसका मान कितना आता है, हमें पता है जब किसी भी अंश और हर, जब कोई भिन्न हो, भिन्न अंश और से मिलकर बनी हो, तो इसमें जब अंश 0 आ जाए और हर में कोई भी संख्या हो, तो उसका मान हमेशा शून्य रहता है। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया, शून्य। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन डी, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अब दूसरे के तीसरे भाग में देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर ये हमारा सवाल दिया गया है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य है जबकि a बराबर है। इसमें हमको बताना है कोण a जो है यहाँ पर वो क्या होगा, 0 अंश का होगा या 30 अंश का होगा, 45 अंश का या 60 अंश का। ये हम तभी बता सकते हैं जब हम इसके मान इसमें रख लेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो उसमें से ये कोण सही होगा, जिसका मान रखने पर दोनों के मान बराबर आए। तो सबसे पहले 0 रख कर चेक कर लेते हैं हम, साइन 2a बराबर 2 साइन a, a बराबर 0 रखने पर, रख लिया 0। सबसे पहले इधर देखा, साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 साइन 0, यहाँ हो गया साइन 0 2 साइन 0। साइन 0 अंश का मान हम देखें कितना होता है, यहाँ से साइन 0 का मान होता है 0, तो 0 बराबर 2 गुणे 0। यहाँ से क्या आ गया हमारा, देखिए 0 बराबर 0, इसलिए हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने 0 रखा, ए का मान 0 रखने पर दोनों के मान बराबर आएंगे, पहला ऑप्शन सही हो गया। आप चेक कर सकते हैं और भी कोई, जिसमें और जो ऑप्शन दिए गए उसके मान अगर आप रखेंगे तो 0 नहीं आएंगे। जैसे हम यहाँ पर इसको रख कर दिखा रहे हैं आपको, साइन 2a बराबर 2 साइन, इसमें हम a बराबर 30 रख कर दिखा रहे हैं, a बराबर 30 रखने पर। ठीक, हमारा काम हो गया, वैसे यहाँ पर 0 रख दिया है। ठीक, साइन 2 गुणे 30 बराबर 2 साइन 30, ये हमें बराबर होने चाहिए। यहाँ हो गया साइन 60, यहाँ हो गया 2 साइन 30। आप त्रिकोणमिति टेबल से मान देखेंगे, देखिए यहाँ पर साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये हो गया √3/2 बराबर 2 गुणे 1/2, √3/2, तो 1 कम 2 1, जो कि बराबर नहीं है, और हमको बराबर होना चाहिए था, दोनों बराबर होने चाहिए थे, इसलिए यहाँ पर a बराबर 3 नहीं होगा, a बराबर 30 यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमारे LHS बराबर RHS होना चाहिए था, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा। आप किसी के मान रखेंगे 30, 45, 60 नहीं बराबर होंगे, 0 का मान बराबर हो। इस प्रकार हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले नंबर को सवाल कैसे हल किया जाएगा।